चलिए आज बनाते हैं टमाटर की एक स्पेशल चटनी, जिसे आप प्रिजर्व करके हफ्ते भर फ्रिज में रख सकते हैं, और किसी भी पूरी के साथ, चपाती के साथ, पराठा के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने टमाटर को बारीक बारीक टुकड़ों में काटना है काट लिया है। एक कढ़ाई ली और मैंने तेल थोड़ा ज़्यादा लिया, 3 टेबल स्पून तेल लिया है। एक्चुअली उससे भी ज़्यादा लेते हैं, पर मैंने कंट्रोल किया, 3 ही लिया है। इसमें राई जीरा डाला है 1-1 चम्मच। साथ ही में मैं सूखी जो लाल मिर्च होती है, जिसे हम खड़ी लाल मिर्च कहते हैं, 3 ली हैं। उसे तोड़ के मैं तेल में डाल रही हूँ और उसको थोड़ा सौते कर लेते हैं। जल्दी से उसमें धांस आने लगती है, तो मैंने अदरक लहसुन कुचल के रखा है, पूरा एकदम दर दरा सा कूट के रखा है, तो उसे मिला दिया है। और जैसे ही ये तेल तो काफ़ी है वैसे, तो ये जल्दी से फ्राई हो जाएगा। जैसे ही फ्राई होता है, इसमें हम थोड़ा सा हल्दी मिर्ची, का पाउडर मिलाएंगे। हम देख सकते हैं 1-1 चम्मच डाला है दोनों। और इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम ये जो एकदम टमाटर को बहुत जितना बारीक आप कर सकते हैं, या तो आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, ना बारीक डालिए। मैंने तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है। मिक्स करिए अच्छे से, और इसे तो आप पहले 5-7 मिनट हाई फ्लेम में पकाइए, और इसमें 1 चम्मच नमक भी ऐड कर दीजिए, तो ये पानी छोड़ने लगेगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में 5-7 मिनट पकाइए। बाद में आपको गैस जो है एकदम मीडियम करके रखना है, सिम टू मीडियम, मीडियम से भी कम। तो इसका जो पानी है वो धीरे धीरे पूरा सूख जाना चाहिए, तेल जो है वो ऊपर आ जाना चाहिए। अब हम लोग इसे मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स करके इसे मैं ढक दूंगी, और अच्छी तरह ये पक भी जाएगा। टमाटर जो है एकदम मैश हो जाना चाहिए, या तो आप ग्राइंड करके डालिए तो एकदम पेस्ट रहेगा, और मैं तो इसी तरह प्रीफर करती हूँ, तो मैंने छोटा छोटा काट के डाला है। इसे हम ढक्कन लगा देते हैं और पकने देते हैं। और जब एकदम तेल ऊपर आने लगता है, तो मैंने ये 1 चम्मच गुड़ का डाला है, थोड़ा सा उसका नमक और खट्टापन बैलेंस करने के लिए। अगर आपके टमाटर बहुत ही खट्टे हैं तो चटनी बहुत ही खट्टी बनेगी, तो आप 1 चम्मच गुड़ डाल सकते हैं, छोटा सा चम्मच। ढक दिया फिर से। अब देखिए तेल एकदम ऊपर आ गया है, साइड में, साइड से तेल ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है चटनी रेडी है। थोड़ा सा तेल अगर आप और ज़्यादा लेंगे तो एकदम ऊपर आ जाएगा। अब इसे एक बॉल में सब निकाल दिया है। ये इतनी अच्छी चटनी है कि आप इसे प्रिजर्व करके रोज़ थोड़ी थोड़ी पराठों के साथ, या कुछ भी खाने के साथ, दाल चावल के साथ ऐसे ही खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और एकदम सिंपल तरीके से बनने वाली है।